हेडक्वार्टर बेंगल सबेरिया, ये आर्मी का हेडक्वार्टर है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो आप दिख रहा है ये है आपके रेस कोर्स। यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है रेस कोर्स, मैं बोला ना कलकत्ता में बहुत झाड़ है। भारत सरकार निगम का लिमिटेड ऑफिस भी है लेफ्ट हैंड साइड, रेस कोर्स आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे रेस कोर्स, बस चल रहा है, काफ़ी सारा शेकिंग है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। वीडियो और भी ख़राब होता था, ये टूरिज्म का बस है इसलिए धीरे धीरे चला रहे। अब जो सामने आपको दिखा रहा हूँ विद्यासागर सेतु, जो मुंबई के लिए, ये देखिए यहाँ के फ्लाईओवर्स देखिए, पहले आपको वो भी दिखाएंगे सर, एक के ऊपर एक फ्लाईओवर है यहाँ पे। राइट हैंड चले जाइए नबन्ना या ब्रिज की तरफ, वो जो ब्रिज दिखाया था वो ब्रिज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, प्रिंसेप घाट एकदम गंगा के किनारे। ग्रेनेडीज देखिए यहाँ खाली, बस इतने ग्रेनेडीज है, बहुत कम शहर में, इतने बड़े शहर में दिखाई देंगे आपको, इस शहर में जितने ग्रेनेडीज है, ग्रेनेडीज बहुत ज़्यादा है। वो देखिए आपके तो ब्रिज जो बोल रहा था, तो मुंबई जो सीलिंग है ठीक उसी तरह का ये ब्रिज एक है, यहाँ पे विद्यासागर सेतु बोलते हैं। टैंक सजाया हुआ है यहाँ पे, एयरफोर्स के टैंक है, एयरफोर्स के प्लेन है, एच आर बी सी भवन है, कैलकाटा मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिस है, सेकेंड विंडो ब्रिज जिसको बोलते हैं दिल्ली के ऊपर, ये जो फ्लाईओवर गया है, ये फ्लाईओवर जाके हुगली ब्रिज जो विद्यासागर सेतु है उसके ऊपर से गुजरेंगे, ये वो भी आपको प्रिंसेप घाट से मैं दिखाऊंगा। वो देखिए 1831 जेम्स प्रिंसेप पुथनेसी सिलम कोलकाता, ये फर्स्ट टाइम डिजन कैलकाटा मिस्टर जेम्स प्रिंसेप, गाड़ी दिख रहा है सर, ये आदमी के एक कार्टून के यहाँ पे क्वार्टर है, यहाँ पे इस जगह पे राइट हैंड साइड, और ये है वो ब्रिज इसके बारे में आपको बोल रहे हैं, और ये सामने है प्रिंसेप घाट, ये देखिए प्रिंसेप घाट नीचे जाते ये है हम लोग प्रिंसेप घाट के एंट्री कर रहे हैं गेट से, सामने है आपके प्रिंसेप घाट। यहाँ से देखिए वो जो ब्रिज विद्यासागर सेतु उसके ऊपर से गुजरे हुए, कभी बना चाहिए 1841 में ये बना हुआ था, ये प्रिंसेप घाट के जो ये स्मारक। प्रिंसेप घाट मॉन्यूमेंट, ये है प्रिंसेप घाट मॉन्यूमेंट।
यहाँ से आपको गंगा दिखाता हूँ मैं, कलकत्ता के गंगा वापस। अपने दक्षिणेश्वर के गंगा तो देखे हैं, प्रिंसेप घाट के सामने से आपको गंगा दिखाते हैं। और यहाँ और एक स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, एक सर्कुलर रेलवे स्टेशन गया हुआ है यहाँ पे। और लेफ्ट में देखिए प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन है यहाँ के, ये है सामने प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे लोकल ट्रेन चलते हैं, ये सामने है प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन। गाइड हमको लेके जा रहे हैं गंगा के किनारे। यहाँ टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी है इस जगह पे। पेन घाट अभी यहाँ से नाव से आप ट्रेवल भी कर सकते हो। हाँ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए भी है प्रिंसेप घाट 1 और 2, 5 से लेके 11 बजे तक ये खुला रहेगा, 5 to 11 PM। चलिए घाट को आपको गंगा दिखा देते हैं, कलकत्ता के गंगा और प्रिंसेप घाट के जो ब्रिज है वो भी दिखा देते हैं। शाम के वक्त पे मैं कई बार आ चुका हूँ, कई बार यहाँ पे आकर बैठ चुका हूँ। और यहाँ से नाव भी चलते हैं। अभी यहाँ पे नाव बंद कर दिया गया है क्योंकि वाटर लेवल बहुत ऊपर है, इसलिए नाव बंद कर दिया गया है इस जगह से। ये जो रोड है यहाँ चलने के लिए बहुत मस्त जगह है, ये दोनों बाजू पार्क जैसा बना हुआ है, झाड़ियाँ लगा हुआ है। यहाँ पे आप चलते जाओगे ना एकदम बाबूघाट तक, यहाँ पे चल के जा सकते हो, उससे भी आगे जा सकते हो। मैंने पहले भी आके यहाँ पे चढ़ा था, मतलब वॉकिंग किया था। वॉकिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। सुबह गंगा के हवा खाओ और इस रूट पे वॉकिंग करते जाओ, बहुत बढ़िया है। ये प्रिंसेप घाट टूरिस्ट जेट्टी है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक जेट्टी बना हुआ है। जेट्टी का रूट वो सामने से आगे से है, हम यहाँ से लौट जाएंगे क्योंकि हमको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। यहाँ से 10 मिनट के अंदर हमको यहाँ से वापस जाना है, ओनली 10 मिनट्स वी हैव। वो देखिए अंदर ऐसा नाव में आप नदी की सैर कर सकते हैं। ये देखिए लाइफ जैकेट पहन के, कितना पानी है गंगा के अंदर। यंग कपल्स बहुत आके बैठते हैं यहाँ पे आराम से, शांति से, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुक सकते, और हम लोग लेट हो चुके हैं। दमदम से माझेरहाट। हाँ दमदम पर स्टेशन हो পদ্মপুকুর, তারপরে কলকাতা, আগে চিত্তুর বলতো, তারপর টালা, তারপর বলে খুব কম ট্রেন চলে। হ্যাঁ এখান থেকে অনেক কম ট্রেন আসে, ওই হাবড়া মাঝেরহাট। হ্যাঁ হাবড়া মাঝের, হ্যাঁ হাবড়ার থেকে আসে, হাবড়ার থেকে তো আসে, হাবড়ার থেকে, হাবড়া থেকে দমদম অব্দি আটকি লাইয়ের সাথে, দমদম থেকে আলাদা হয়ে, আলাদা হয়ে যায়, কলকাতা স্টেশন হয়ে আসে। আচ্ছা কলকাতা এটা সার্কুলারের বলে, এটা শোভাবাজার বলে একটা স্টেশন, শোভাবাজার। আচ্ছা बहुत कम चलते हैं इससे, हावड़ा से ये चल के आते हैं ये ट्रेन। ये देखिए यहाँ से गुजरेंगे अभी ट्रेन इस रूट से, प्रिंसेप घाट स्टेशन। आपको हर स्टेशन में दिखा रहे हैं कलकत्ता के। चलिए प्रिंसेप घाट मोनूमेंट सामने से देखते हैं, नज़दीक से थोड़ा। इनके नाम थे जेम्स प्रिंसेप, यह है वो प्रिंसेप घाट मॉन्यूमेंट।
ये थे प्रिंसेप घाट, और मेरे पीछे जो दिख रहा है अभी ये देखिए, ये है वो प्रिंसेप घाट। मैं प्रिंसेप घाट पे ही हूँ आज। लोग अभी निकलेंगे यहाँ से। पीछे मेरे विद्यासागर सेतु के भी ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से निकल जा रहे हैं अभी। इधर वो गेट, यहाँ से हम लोग निकलेंगे। हो गया प्रिंसेप घाट कंप्लीट। दिया गया है, इससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपको पुलिस फाइन मारेगी। सर्कुलर रेलवे जो है, सर्कुलर रेलवे गया इस रूट से गया हुआ है, जो रेलवे ट्रैक है आपको यहाँ से एकदम बाबूघाट तक। ये रूट वैसे ही जाएंगे स्ट्रेट वे, ये जो साइड से देखिए रेलवे ट्रैक है यहाँ, और बाजू में है गंगा, गंगा घाट है। यहाँ से बोटिंग भी आप जा सकते हो। यहाँ से बोटिंग की सुविधा है, देखिए सामने यहाँ से बोटिंग की सुविधा है इस जगह से। वजह से आधा चीज आपको दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे। यहाँ पे झाड़ है, इतना झाड़ हो गया है। यहाँ पे आके कितने बार मैं बैठता था इस जगह पे। ये बोटिंग, बोट के लिए फेमस है जगह से, बोटिंग के लिए शाम को लोग घूमने जाते हैं। सामने देखिए हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है, हरियाणा हावड़ा ब्रिज। कितना लंबा वो ट्रैक है जो मैं आपको दिखाया था चल के आने के लिए ट्रैक, ये ट्रैक अभी भी चल रहा है इस रूट से। अब चल के आ सकते हो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। कितने लोग चलते हैं इस रूट से। बाबू घाट बाबू घाट उस तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ से दूर पल्ले का बसेस भी बहुत सारे जाते हैं दूर दूर से, कर्नाटक, इसके बाद बिहार, बहुत जगह से यहाँ बसेस यहाँ से मिलेंगे आपको। जैसा धर्मतला से मिलता है इसी तरह इस बाबू घाट से भी मिलता है।